वेलकम टू ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक जो है ये हमारे नेट के सिलेबस में है, सो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो ये जो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है इसको प्रपोज किसने किया था, सबसे पहले ये देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। सो इसको प्रपोज किया था अमेरिकन बायोलॉजिस्ट स्टीफन जे गोल्ड और नील्स एल्ड्रेज ने। 1972 में इनका एक पेपर आया था जिसका नाम था पंक्चुएटेड इक्विलिब्रिया एंड अल्टरनेटिव टू फैलेटिक ग्रेजुअलिज्म। मतलब क्या हुआ इसका कि 1972 में गोल्ड और एल्ड्रेज एक पेपर लिखते हैं और उसका टाइटल रहता है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रिया एंड अल्टरनेटिव टू फैलेटिक ग्रेजुअलिज्म। मतलब ये था हुआ कि जब शुरू में एवोल्यूशनिज्म का कॉन्सेप्ट आया था तो केवल ये माना जाता था कि जो डार्विन ने एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया है कि स्लोली स्लो और ग्रेजुअली जो चेंजेस हो रहे हैं किसी भी ह्यूमन या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी में, वो कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं और उसके बाद काफ़ी टाइम बाद वो चेंज देखने को मिलता है, एक नई स्पीसीज बनती है, स्पीसिएशन होती है। यही हम लोग ने पढ़ा था जब मॉडर्न सिंथेटिक थियरी पढ़ी थी, मैंने आपको ये पूरा अच्छे से समझाया था ना। तो ये क्या है, ये एक फैलेटिक ग्रेजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है जो कि कहता है कि स्लो और स्टडी बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं, ह्यूमन के होते रहते हैं, वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं और फाइनली क्या होता है, एक नई स्पीसीज देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज़ क्या है, किसका कॉन्सेप्ट है, फैलेटिक ग्रेजुअलिज्म का। हाँ ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉपर डार्विन जो हम लोग नॉर्मल एवोल्यूशन पढ़ते भी हैं तो यही पढ़ते हैं ना कि ग्रेजुअली ह्यूमन में चेंजेस हो रहे हैं, स्लो चेंजेस हो रहे हैं और वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, फाइनली हमें जैसे अभी होमोसेपियंस हैं हम लोग, हमारी बॉडी में भी चेंजेस चल रहे हैं होमोसेपियंस हैं, अब फ्यूचर में हमें होमोसेपियंस फ्यूचर इस देखने को मिलेगा, ये सब चेंजेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ठीक है, काफ़ी टाइम बाद, मतलब इसमें टाइम लगेगा, ये टाइम ले रहा है। ठीक, लेकिन ये गोल्ड और एड्रेज अपनी जो ये पेपर पब्लिश करते हैं इसमें कहते हैं नहीं, हमारे पास एक अल्टरनेटिव भी है इस एवोल्यूशन होने का, और वो अल्टरनेटिव क्या है, वो अल्टरनेटिव है हमारा पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का। ठीक है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि केवल एक ही तरीका नहीं है, फैलेटिक ग्रेजुअलिज्म से ही केवल इस मतलब कि एवोल्यूशन नहीं होता, एक तरीका और है जिससे नई स्पीसीज बनती हैं और वो है क्या, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का। मतलब ये कह रहा है कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम क्या है, ये कहते हैं कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम अकर्स थ्रू शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंटेंस स्पीसिएशन फॉलोड बाय लेंथी पीरियड ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहते हैं कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में, जैसे इसका नाम ही है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, अब आप लोग सब लोग इक्विलिब्रियम की मीनिंग तो समझते ही होंगे कि मतलब ऐसा टाइम आप बोल सकते हो जिस टाइम कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज, जो जैसा है वो वैसा ही है, सब कुछ स्टैटिक, सब कुछ ठहर गया है, रुक गया है एकदम। ठीक है, ठीक वैसा है। लेकिन पंक्चुएशन आप ग्रामर में पढ़ते हो ना, एक कॉमा लगा दिया कहीं पे, ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम जैसा इसका नाम है वही मतलब है, ये कह रहे हैं कि हाँ एवोल्यूशन के प्रोसेस में एक लेंथी पीरियड ऐसा रहता है जब कोई चेंज नहीं होती, स्पीसीज जैसी कि तैसी जैसी है वैसी ही रहती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब स्पीसीज को ज़रूरत होती है, मान लीजिए कोई इन्वायरमेंटल चेंज आ गया, अब वो स्पीसीज को बचना है इस खुद को, तो वो क्या करेगी, अपने अंदर कुछ चेंज लाएगी उस एनवायरनमेंट में कोप करने के लिए। अगर वो चेंज नहीं लाएगी तो वो स्पीसीज क्या हो सकती है, एकदम ख़त्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं जानेगा। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में लोग कह रहे हैं कि नहीं, एक तरह का एवोल्यूशन और होता है, एक तरीके से और स्पीसिएशन होती है, और वो क्या है, वो है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का, कि हाँ एक टाइम ऐसा लेंथी पीरियड ऑफ स्टैटिक्स रहता है कि हाँ पूरी तरीके से शांति रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम का बना रहेगा टाइम, लेकिन अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन आ गई जहां पर उस पर्टिकुलर स्पीसीज को बचना है तो वो क्या करेगी, अपने अंदर चेंजेस लाएगी और वही क्या होगा, एक शॉर्ट बर्स्ट ऑफ, जो ये कह रहा है शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंटेंस स्पीसीएशन, ठीक, कि आपको एक छोटा सा
यू नो इंटेंस स्पीशिएशन देखने का यू नो टाइम पीरियड आएगा और उसी टाइम एक नई स्पीसीज देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोग समझा था कॉन्सेप्ट ऑफ एनाजेनेसिस एंड क्लैडोजेनेसिस, और वहाँ मैंने आपको बताया था कि क्लैडोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा था, ये नीचे दिख भी रहा होगा, मैंने आपको समझाया था पूरा। तो क्लैडोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ ब्रांचिंग हो जाती है, एक स्पीसीज है, ये स्पीसीज है, ये चेंज, इसकी ब्रांचिंग हो जाएगी, ये एक नई स्पीसीज बन जाएगी, उसके बाद फिर फर्दर इसमें ब्रांचिंग हो जाएगी। ठीक, ये ब्रांचिंग हो क्यों रही है? ये ब्रांचिंग इसलिए हो रही है ना कि इस स्पीसीज को कोप करना है, इसने कुछ इस ऐसे इन्वायरमेंट कंडीशन, मैंने आपको बताया था ना कि एक ही जगह थी, यहाँ पर पानी का बहाव आ गया, ये स्पीसीज यहाँ रह गई, ये स्पीसीज यहाँ रह गई, ये अलग इन्वायरमेंट में, ये अलग इन्वायरमेंट में। अब इसको अगर इस इन्वायरमेंट में रहना है, खुद को बचाना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। और वो चेंजेस यही है, वही पंक्चुएशन है कि कुछ चेंज आ गया, कुछ चेंज देखने को मिल गया बॉडी के अंदर। ठीक है, यही पंक्चुएटेड डिक्लेवन है और एक नई स्पीसीज देखने को मिल गई, जैसा हम लोग ने डार्विन फिंचेस के साथ पढ़ा था कि डार्विन फिंचेस बन क्यों जा रही है, एक ही बर्ड थी और उसके कई तरीके के बर्ड देखने को मिल गई। क्यों? क्योंकि उनका इन्वायरमेंट बदल गया और उनको अगर उनको उस इन्वायरमेंट में अगर पता लग रहा है कि इस इन्वायरमेंट के और मुझे कैक्टस ही खाने को मिलेंगे, उस बर्ड को पता है, या फिर इस इन्वायरमेंट में, वन सेकेंड, अगर उस बर्ड को पता है कि मैं इस इन्वायरमेंट में हूँ और मुझे यहाँ पर केवल, ये मेन बर्ड है, डार्विन फिंच है, अब यहाँ मैं इस इन्वायरमेंट में मुझे केवल यहाँ पर कैक्टस ही खाने को मिलेंगे, मुझे यहाँ पर केवल इंसेक्ट्स ही खाने को मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसको इंसेक्ट ही खाना है तो उसी हिसाब से वो अपनी बॉडी में चेंज आएगी, उसी हिसाब से उसकी बीक चेंज हो गई। यहाँ पर इसको कैक्टस खाना था तो इसकी बीक चेंज हो गई और एक नई तरीके की बर्ड आपको देखने को मिलने लगी। ठीक, सो यही है क्या कॉन्सेप्ट ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है लेकिन जब ऐसी कोई चेंजेस कंडीशन आती है तो पंक्चुएशन होती है, मतलब एक शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंटेंस स्पीशिएशन होता है और एक नई स्पीसीज देखने को मिलती है। और ये इसीलिए यहाँ पर कहना कि ये एक अल्टरनेटिव है फैलेटिक ग्रेजुअलिज्म का। ओके, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि मैम यहाँ ये चीज़ नहीं समझ में आई है, मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दीजिएगा कि मैम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।